नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी लखनऊ में चला प्रशासन का बुलडोजर। राजधानी लखनऊ में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी खबर सामने आ रही है, बसपा नेता फहाद, सपा विधायक मंसूर हसन के भतीजे पर कार्रवाई। दोनों को पहले दिया जा चुका है नोटिस, नोटिस के बाद गिराया जा रहा अवैध निर्माण। एसीपी हजरतगंज अखिलेश सिंह के साथ पुलिस फोर्स मौजूद, एलडीए के साथ भारी पुलिस बल पहुंची। यजदान बिल्डर पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई। हजरतगंज बालू अड्डे के पास बने अवैध अपार्टमेंट का मामला। राजधानी लखनऊ में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से बसपा नेता फहाद, सपा विधायक मंसूर हसन के भतीजे पर बड़ी कार्रवाई। दोनों को पहले दिया जा चुका है नोटिस, नोटिस के बाद गिराया जा रहा अवैध निर्माण। बड़ी खबर सामने आ रही है, एसीपी हजरतगंज अखिलेश सिंह के साथ पुलिस फोर्स तैनात, एलटीए के साथ भारी पुलिस बल पहुंची। यजदान बिल्डर पर एलटीए की बड़ी कार्रवाई। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। हजरतगंज बालू अड्डे के पास बने अवैध अपार्टमेंट का मामला। राजधानी लखनऊ में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। बसपा नेता फहाद, सपा विधायक मंसूर हसन के भतीजे पर कार्रवाई। दोनों को पहले दिया जा चुका है नोटिस, नोटिस के साथ गिराया जा रहा अवैध निर्माण। एसीपी हजरतगंज अखिलेश सिंह के साथ पुलिस फोर्स तैनात, एलटीए के साथ भारी पुलिस बल भी पहुंचा। यजदान बिल्डर पर एलटीए की बड़ी कार्रवाई। हजरतगंज बालू अड्डे के पास बने अवैध अपार्टमेंट का मामला। राजधानी लखनऊ में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। बसपा नेता फहाद, सपा विधायक मंसूर हसन के भतीजे पर कार्रवाई। दोनों को पहले दिया जा चुका है नोटिस, नोटिस के बाद गिराया जा रहा अवैध निर्माण। एसीपी हजरतगंज अखिलेश सिंह के साथ पुलिस फोर्स मौजूद, एलडीए के साथ भारी पुलिस बल भी पहुंचा। यजदान बिल्डर पर एलटीए की बड़ी कार्रवाई। हजरतगंज बालू अड्डे के पास बने अवैध अपार्टमेंट का मामला। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए लखनऊ से संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं घटनास्थल से। जिस तरह से विभांशु, ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, किस तरह से देख रहे? पहले नोटिस दिया गया था और अब ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वही आपको बता दें कि ये जो अपार्टमेंट बनाए गए थे, बनाए गया था आपके बसपा नेता फहाद और सपा नेता के नतीजे का बताया जा रहा है। और आपको बता दें मौके पर सारी पुलिस बल मौजूद है और लगभग कई बार नोटिस देने के बाद और आपको बता दें 8 मंजिले इस अपार्टमेंट को नोटिस देने के बावजूद, और आप देख सकती हैं कि तस्वीरों के जो वकील हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और तमाम जो बिल्डर से जुड़े लोग हैं आ रहे हैं। आप बता दें कि 19,000 स्क्वायर फीट में यह अपार्टमेंट है, लोग भी और वही हमारे साथ मौजूद है जो बिल्डर के वकील, हमसे हम बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये बिल्डिंग गिराई जा रही है, क्या पहले से प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया था? ऐसा अधिकारी बता रहे हैं, हाईकोर्ट जैसे स्टेशन से कमिश्नर के यहाँ से खारिज हुई, यहाँ पर कार्रवाई हो रही। मेरा बहुत सीधा सा प्रश्न है कि जब ये सारी कार्रवाई हो रही, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी कैसे? अगर बिल्डिंग इतनी बड़ी बनी तो किन लोगों की गलतियों से बनी? क्या लोग अपना काम समय से नहीं कर रहे हैं? भाई, एक अधिवक्ता होने के नाते, एक वकील होने के नाते, एक आम व्यक्ति होने के नाते आपके सामने बिल्डिंग गिर रही, क्या आपको ये बुरा नहीं लग रहा? बिल्डिंग किसी की, तो क्या आपको ये बुरा नहीं लग रहा है कि बिल्डिंग गिर रही है? बिल्डिंग अगर
अवैध है और मानी जाएगी तो आप इसको आगे भी गिरा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल आपको कोई रोक लेगा, सरकार में सरकार के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, लेकिन इसमें अब इसको ऐसे से रोक के इसको देखना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए, मेरा इतना मानना है। अच्छा ये बताए कि ये जब बिल्डिंग बनाई गई तमाम ऐसे नॉर्म करके बिल्डिंग बनाई जाती है, तमाम ऐसे स्वीकृति लिए जाते हैं और की तरफ ना कभी पास इस समय जो नॉर्म है पूरा प्रक्रिया करने के बाद ये बिल्डिंग बनाई गई थी। अगर ऐसा ना होता तो मेरे सारे प्रश्न आपके नहीं जवाब की एलजे का ऐसा बात होता है, सारी चीजें होती है बनी है इसमें कुछ दर्ज अधिकारियों को उसके बाद आपको अगर ऑर्डर मिलता तो दोबारा रोक कर दीजिएगा। इस सिचुएशन में जहाँ 3-4 घंटे तक काम चल रहा है रोक देना करा रखी है। लोगों ने अपना घर बनाने के लिए सोचा था, इतनी बड़ी बिल्डिंग जैसा कि आप कह रहे हो 7 करोड़ की बन गई, सर ये कोई छोटी घटना नहीं है। अगर आप कह रहे हो सारी चीजें गए तो आपको दोनों पक्ष देखना चाहिए। शहर में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है जो इस तरीके से काम कर रही है, अगर आप ठीक से जांच करें, आज की डेट में कोई बोलना नहीं चाहता, कोई अपनी बात रखना नहीं चाहता, बट मीटर के माध्यम से इतना कहता हूँ कि आप प्रशासन से सरकार से कहिए कि इसको रोकने की तब आगे की कार्रवाई है। जो पर्यटन लेके में रहना शुरू इसको एक गंभीर मुद्दा से देखा जाए जी। तो हमारे साथ मौजूद तस्वीरों में बुलडोजर जो है वो पहले हिस्से को गिरा रहा है, कुछ समय में जो 7 फुट इमारत है ये निस्तानाबूद हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि 19,000 स्क्वायर फीट में ये बिल्डिंग बनाई गई है। वही सोचने वाली बात का ये है तमाम नॉर्म चाहिए और तमाम ऐसे नॉर्म है जिसके बाद बहु इमारतें बनाई जाती है, सॉइल टेस्ट किया जाता है, जमीन की गुणवत्ता देखी जाती है बहु इमारत बनाने के लिए। तो ऐसे समय में और जो अधिकारी तमाम सर्टिफिकेट देते हैं कैसे, अगर ये अवैध है तो इस पे कैसे निर्माण पूरा की फिनिशिंग आखिरी फिनिशिंग बाकी है। तो आखिर किस बुनियाद से ये जो बिल्डिंग 7 मंजिली इमारत है 19,000 स्क्वायर फीट में ये कैसे बनाई गई, वहीं हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भारी मौके पर भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है वो मौजूद है और पुलिस के सभी आला अधिकारी मौजूद है, साथ ही साथ अन्य चौकियों के भी जो पुलिस है उनको भी बुलाया गया है। वहीं हम कुछ जिम्मेदारान पुलिस अफसर से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो जिम्मेदार पदों पर हैं, दिखाई दी बाहर की पानी जमघट डाला है और ठीक आप सामने देख रहे हैं कि कार्रवाई जारी है। और आप वही अगर पता है और सपा के विधायक के भतीजे की बताई जा रही है और यादगान ग्रुप के द्वारा इसको बनाया गया था। अच्छा आप अपना नाम बता रहे हैं, नाम बता आप किस उद्देश्य से आप आए हैं? अच्छा काम आप यादगान ग्रुप से जुड़े हैं जी। तो आपको बता दें कि यहाँ मौके पर तमाम लोग घूम रहे हैं, दर्शक बन गए और आप देख सकती है कि कार्रवाई जारी है, चारों तरफ से जेसीबी मशीन और बुलडोजर यहाँ काम कर रही है
और वहीं अगर बात करें पुलिस बल पूरे मौके पर काबू में लिए जहाँ पुलिस बल है और एक और जेसीबी जो कि किसी और अन्य हिस्से से बिल्डिंग को जो निस्तारभूत करने की प्रक्रिया कर लेंगे जिसकी सम्मिलित होगी कुछ और बता देंगे। और आप अपना नाम बता दें भैया जी। पहले बात सुनिए, यदि आप हमारी बात सुनेंगे नहीं और जो लीगल बात है नहीं सुनेंगे। अच्छा क्या आप बात कह रहे हो, वो चीज बता रहे हैं। आइए हम इनसे ही बात करते हैं और क्या ये बात कर रहे हैं इसको भी जानते हैं। आप अंशु जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब ये निर्माण हो रहा था, वैध निर्माण हो रहा था, तब इस पे किसी ने संज्ञान क्यों लिया, तब प्रशासन कहाँ था? जी शिका, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब ये बिल्डिंग के तमाम टर्म्स को पूरा करके और निर्माण कम्प्लीट हो चुका है तो आखिर प्रशासन इस पे मौन क्यों रहा और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो क्यों अपना रुख नहीं पेश किए। वही आपको बता दें कि जब बिल्डिंग पूरी हो जाती है और तमाम ऐसे लोग जो फ्लैट लेते हैं, फ्लैट का पजेशन हो जाता है, पजेशन होने ही वाला था, लेकिन इस हिसाब से प्रशासन की तरफ से कहना है कि ये अवैध निर्माण है और अवैध जमीन पे बनी है। वही अगर यहाँ है, अगर बागदान युग के तमाम संबंधित अधिकारियों की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो तमाम फॉर्मेलिटीज होती है, चाहे बात की जाए LDA से नक्शा, चाहे बात की जाए सॉइल टेस्ट, चाहे बात की जाए जो 7 मंजिला इमारत जब बनाई जाती है तो उसके लिए जमीन की गुणवत्ता भी देखी जाती है और साथ ही साथ जो वाटर लेवल होता है उसको भी देखा जाता है। तो इन सब जगहों से जब उन्हें उनको फिट करार दिया गया और साथ ही साथ जमीन बिजली बनाने की स्वीकृति दी गई तो ये अवैध कैसे है। वहीं अगर बात करें तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही होगी। और आपको बता दें कि लगभग जब से 2017 से भाजपा के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तो धीरे धीरे अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलता हुआ आपने देखा कि प्रदेश भर के तमाम जगहों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज बालू अड्डा, लखनऊ के बालू अड्डा में आज एक अवैध निर्माण जो की प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है अवैध निर्माण, उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में हम यहाँ कुछ बात करेंगे। अगर बात करें तो यहाँ अगर संख्या की तो यहाँ भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं, मगर अंदर देख रहे हैं जैसे जी। विभांशु, उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपना सपनों का घर खरीदा, अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ पे इन्वेस्ट करी और अब वो टूट रहा है उनकी आंखों के सामने, उनके पैसे कैसे वापस होंगे, उनके दिल पे क्या बीत रही है? जी शिखा, अगर बात करें तो हर एक आदमी, हर एक इंसान का एक ख्वाब होता है कि उसका अपना एक मकान हो और जीवन भर उसके लिए लगा रहता है और पाई पाई जुटा कर अगर एक दिन अपना खुद का मकान खरीदता है, जैसे चिड़िया एक घोंसला को बनाने के लिए ये बहुत प्रयास करती है, ठीक वैसे ही इंसान अपना घर खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद खरीदता है। तो अगर बात करें तो जो लोग इन 7 मंजिला बिल्डिंग में जो 19,000 स्क्वायर फीट है तो लगभग अगर बात करें तो इसमें लगभग ठीक ठाक मात्रा में फ्लैट होंगे, गिनती अभी सामने नहीं है। तो हम जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा होगा, जिन लोगों ने एडवांस पूरा दे दिया होगा उनके ऊपर बहुत ही बुरा बीत रहा होगा लग है। और ये अब जब पैसे की बात करें तो उन लोगों के पैसे जो है वो कोर्ट प्रक्रिया के में आ गए, अब ये मामला कोर्ट में चलेगा और कोर्ट में इसकी सुनवाई करेगी और जो लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनके पैसे की वापसी कोर्ट के ही द्वारा होगी। तो उनके ऊपर बहुत ही बुरा बीत रहा है और अगर बात करें तो जिम्मेदार और सरकार को उन लोगों के न्याय के लिए कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि उनकी जो जीवन भर की कमाई है, जिन्होंने उन्हें सीट अपने मेहनत परिश्रम की कमाई को इस मकान को खरीदने में लगा दिया है, उनको निदान मिलना चाहिए। जैसे कहा विभांशु, इतने लोगों की भीड़ हम देख रहे हैं तो क्या वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है जिन लोगों ने यहाँ पे अपना घर लिया था, फ्लैट्स खरीदे थे? जी शिखा, आपको बता दें कि जिसे प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम नोटिसों के बाद ये बिल्डिंग गिराई जा रही है,
वही आपको बताना चाहेंगे कि अभी मैं लगभग एक घंटे से यहाँ मौजूद हूँ, लगभग अब तक जो फ्लैट खरीदे हैं वो सामने नहीं आए हैं, क्योंकि साफ तौर पे एक माहौल बना हुआ है कि ये बिल्डिंग अवैध है और प्रशासन कह रहा है कि अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। वहीं यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि ये बिल्डिंग कैसे बना दी गई जब पूरी 90% जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो कैसे ये अवैध है और अवैध जमीन पे कैसे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वो किस आधार पर एलडीए की तरफ से दिए गए, साथ ही साथ सॉइल टेस्ट, जो भूमि की मृदा परीक्षण होती है वो कैसे किए गए, ये सवाल खड़ा करता है जमीन पर, कहते ये सब नॉर्म्स पे सर्टिफिकेट दे दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, हर एक खबर पे नजर रखिए और हमें जानकारी देते रहिए, अपडेट देते रहिए। विभांशु इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बुलडोजर चला है योगी सरकार में, ये पहला बुलडोजर चला है, बड़ी कार्यवाही है जहां योगी सरकार 2.0 ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, तो ये पहली बड़ी कार्यवाही सामने आई है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को अब बुलडोजर बाबा विपक्षियों द्वारा भी कहा जाने लगा था। और एक और बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है, बीएसपी नेता फहाद के अपार्टमेंट पर, जिसे अवैध अपार्टमेंट बताया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, यूपी में एक्शन में नजर आ रहा है प्रशासन, बीएसपी नेता के अवैध अपार्टमेंट पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि पहले नोटिस भी दे दिया गया था, जिसके बाद अब ये मामला कोर्ट में, और अब कोर्ट के आदेश पर ही ये कार्यवाही की जा रही है।